मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अपनी जगह सुरक्षित होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 3 का जो पाठ नंबर 2 है, सांझे की खेती। ठीक है, हिंदी का ये लेसन है, तो आज हम इसको शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है। सबसे पहले कहानी में क्या था, एक चिड़िया थी। ठीक है, वह चिड़िया मेहनती और भोली भाली थी। मेहनती मतलब परिश्रम करने वाली, वह बहुत मेहनत करती थी। उसने इधर उधर से तिनके इकट्ठे करके पेड़ पर अपना एक घोंसला बना लिया। चिड़िया ने कपड़े की करतने, धागे और सुतलियां जमा कर घोंसले में बिछा दी। अब वह घोंसले में आराम से रात बिताती। दिन में दाना चुगा खाकर इधर उधर फुदकती। इस प्रकार वह सुखपूर्वक दिन बिताने लगी। एक दिन एक कौवा उसी पेड़ पर आ बैठा जिस पर वह चिड़िया रहती थी। वह बड़ा ही चालाक था। कौवा जो चालाक था, उसने देखा कि चिड़िया बहुत ही भोली भाली है, यानी कि सीधी सादी है, क्यों न इससे दोस्ती कर ली जाए। वह प्रतिदिन शाम के समय पेड़ पर आकर बैठ जाता। धीरे धीरे उन दोनों में मित्रता हो गई। किनमें? चिड़िया और कौवे में। उन दोनों में मित्रता हो गई। उसके बाद क्या हुआ? एक दिन कौवे ने चिड़िया से कहा, हम दोनों अपना पेट भरने के लिए इधर उधर भटकते हैं, यानी कि इधर उधर हम दौड़ते हैं, इधर उधर उड़ते हैं, क्यों ना हम मिलकर खेती करें। ठीक है, चिड़िया को कौवे की बात पसंद आ गई। चिड़िया ने जब खेती की बात सुनी तो उन्होंने कहा, चलो ठीक है, हम दोनों हैं तो खेती कर लेते हैं। वह खेती करने के लिए झट से तैयार हो गई। दोनों ने घूम फिर कर एक खेत चुना। गर्मी बीत गई, बाजरे की बिजाई का मौसम आ गया। चिड़िया ने कौवे से कहा, मेरे साथ चलो, आज हम चलकर खेत तैयार करेंगे। ठीक है, तो हम कोई भी खेती करते हैं, उससे पहले हमें खेत में तैयारियां करनी पड़ती है, खेत को तैयार करना पड़ता है। कौवा चिड़िया की बात सुनकर बहुत खुश हुआ और आंखें मटकाते हुए बोला। क्या बोलता है वह? तू चल, मैं आता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, मक्खन रोटी खाता हूँ, तेरे लिए भी लाता हूँ। कौवा इस प्रकार की जो बातें करता है, क्या कहता है वह कि आप चलिए, मैं आपके पीछे पीछे आता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ और मक्खन रोटी खाता हूँ और तेरे लिए भी ये सब लेकर मैं आता हूँ। चिड़िया खेत में सारा दिन अकेली ही काम करती रही, लेकिन कौवा नहीं आया। कुछ दिन बाद चिड़िया ने कौवे से कहा, मेरे साथ चल, आज खेत में बीज बोने हैं, यानी हमें बिजाई करनी है। कौवे ने इस बार भी पहले वाले अंदाज में कहा, तू चल, मैं आता हूँ, ठंडा पानी पीता हूँ, मक्खन रोटी खाता हूँ, तेरे लिए भी लाता हूँ। चिड़िया फिर अकेली ही पूरा दिन बीज बोती रही, लेकिन कौवा नहीं आया। आपको यहाँ पर चिड़िया दिखाई दे रही है, बेचारी अकेली ही बीज को बो रही है। और कौवा चालाक था, वह चिड़िया की सहायता के लिए नहीं आया। उसने कौवे से पूछा तो कोई ना कोई बहाना बनाकर उसे टाल दिया। धीरे धीरे खेत में बाजरे के सिरटे निकल आए। बाजरे के सिरटे का मतलब क्या होता है? यह बाजरे का एक फल होता है और उस पर दाने लगे होते हैं बाजरे के, उसे हम सिरटा कहते हैं। ठीक है, तो कौवा वहाँ पर नहीं आया। फसल जो पककर तैयार हो गई। चिड़िया ने अकेले ही लामणी और मढ़ाई की। अब चिड़िया ने, बेचारी ने, लामणी का मतलब होता है फसल की कटाई। ठीक है, और मढ़ाई का मतलब होता है भूसे को अनाज से अलग करना। तो ये सब काम चिड़िया ने अकेले ही किया। पहले की तरह इस बार भी कौवे ने बहाना बनाया। आलसी और कामजोर कौवे ने कुछ भी काम नहीं किया। जब बंटवारे की बात आई, तब चिड़िया से पहले लंबे लंबे डग भरता हुआ खेत में पहुंच गया।
डग भरता हुआ मतलब जल्दी चलकर वह खेत में पहुंच जाता है। और उसके बाद क्या होता है, खेत में एक तरफ बबूले का ढेर था और दूसरी तरफ बाजरे की ढेरी। कौवे ने आव देखा न ताव, झट से उड़कर बबूले के ढेर पर जा बैठा। अब कौवे को ये नहीं पता था कि कौन सी ढेरी मुझे चुननी है कौन सी नहीं। उसने बड़ी ढेरी देखकर और बबूले के ढेर पर वह जा बैठ। वह आंखें मटकाता हुआ ताली बजाता हुआ बोला, लो हो गया बंटवारा, यह ढेरी मेरी और वह तेरी। यानी कि कौवे ने बड़ी ढेरी को चुना जो निरा भूसा था और चिड़िया को मिला बाजरे का ढेर। अब बाजरे की फसल देखकर चिड़िया खुश हो गई, गाने लगी चींची करके। क्या गाने लगी, बाजरा कहे मैं बड़ा अलबेला, दो मुसल ते लड़ूं अकेला, जय मेरी ना जो खिचड़ी खाए, फूल फूल कोठी हो जाए। इस प्रकार चिड़िया खुश हो गई। और फिर क्या होता है, चिड़िया के जो मन ही मन हैरान हुई कि पता नहीं क्यों कौवे ने बाजरा छोड़कर बबूले के ढेर को चुना, क्या तुम्हें पता है। चिड़िया ले गई सारा बाजरा ढो ढोकर अपने घर। सांझ हुई तो चूल्हा फूक कर राबड़ी बनाई। ठीक है, बाजरे से क्या बनती है, राबड़ी। खुद भी खाई बच्चों को भी खिलाई। खाते खाते गाने लगी, मीठी लागे बाजरे की राबड़ी रे, दल चक्की से हांडी पे गेरी, नीचे लगा दी लाकड़ी रे। मीठे लागे बाजरे की राबड़ी रे, रांध रांध थाली में घाली, ऊपर आ गई पापड़ी रे, मीठी लागे बाजरे की राबड़ी रे। तो इस प्रकार यह है कहानी खत्म होती है। कैसी लगी बच्चों आपको, तो अगले वीडियो में हम इसके प्रश्न उत्तरों को करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें।